Hi investors and traders, in this video we will be talking about how to catch breakout before it happens. Ek breakout ko kaise pakda jaye breakout hone se pehle. Hum sab you know ek badi si green candle banti hai uske piche bhagne lagte hain. Mera jo trading ka style hai, main before that big green candle forms mujhe entry usse pehle chahiye hoti hai. To main kya cheeze dekhti hu uske upar baat karenge. वीडियो को अंत तक देखिएगा. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, गिव अ थम्स अप एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू जॉइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग एवरी डे फ्रॉम 10 टू 11 वेयर यू गेट अ बैंक निफ्टी कॉल और पुट व्हाटएवर एंड यू गेट सम गुड ब्रेकआउट स्टॉक्स. सो मैं बात करूंगी कि हाउ टू फाइंड आउट ब्रेकआउट बिफोर इट हैपेंस. तो अगर आप किसी भी स्टॉक को देखते हैं तो आपको स्क्रीन पे केवल दो चीजें दिखाई देंगी, एक होता है प्राइस और एक होता है वॉल्यूम. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन डिसाइफर करनी है अबाउट स्टॉक, आपको ये पता लगाना है कि स्टॉक यू नो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या कंसोलिडेट हो रहा है, या एक्यूमुलेट हो रहा है, या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पे होती है. मगर हमारी आंखें उतनी फाइन ट्यून नहीं होती है इस बात को जानने के लिए. तो तीन पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ. जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि स्टॉक मस्ट फॉर्म हायर लो. हर आपको स्टेप बाय स्टेप हायर लो फॉर्मेशन देखना चाहिए. दूसरा है कि कंसोलिडेशन जो है एक जगह पे आके स्टॉक को कंसोलिडेट करना चाहिए. और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ब्रेकआउट ढूंढना है, आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है विद लो वॉल्यूम्स, और जब ब्रेकआउट दे रहे हैं तो वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ रहे हैं. अगर आप इन तीनों चीजों को अप्लाई करेंगे आपको बहुत बढ़िया ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे. तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और जो भी स्टॉक सामने दिखाई देगा उसी को एनालाइज करेंगे. ये स्टॉक मेरे सामने है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये स्टॉक क्या है, क्या इसकी वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको केवल स्क्रीन पे दो ही चीजों पे फोकस करना है. एक आपको फोकस करना है नीचे वॉल्यूम्स पे, ठीक है. आपका एक फोकस रहेगा नीचे वॉल्यूम्स पे और वॉल्यूम कब ब्रेकआउट दे रहे हैं. दूसरा आपका फोकस रहेगा प्राइस पे. आपको एंड ऑफ द डे चार्ट देखना है और देखना है कि किस तरह की कैंडल्स फॉर्मेशन हो रही है. स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर रहा है बट वॉल्यूम्स नीचे बहुत थोड़े हैं. ये बात याद रखिए कि अच्छा स्टॉक जब भी नीचे जाएगा लो वॉल्यूम्स के साथ नीचे जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आने लगेंगे. ये लो वॉल्यूम इसलिए होता है कि इस समय केवल रिटेलर्स एग्जिट कर रहे होते हैं. इंस्टीट्यूशंस विल नेवर एग्जिट. इंस्टीट्यूशन इस तरह के छोटे छोटे वॉल्यूम्स में कभी नहीं खेलते. तो आपको ये याद रखना है कि अगर स्टॉक नीचे जा रहा है और लो वॉल्यूम्स के नीचे जा रहा है, आपको याद रखना है कि ये वॉल्यूम्स जो है ये रिटेलर्स जो है डर के, जिन्होंने कहीं हायर वैल्यू पे खरीदा है स्टॉक, वो लोग एग्जिट कर रहे हैं. उसके बाद आपको वेट करना है कि ये हायर लो की फॉर्मेशन बनने लगे. तो यहाँ पे देखिए ये लो, ये लो, ये लो, उसके बाद हायर लो ही बने. कोई प्रीवियस लो किसी ने ब्रेक नहीं किया है बट वॉल्यूम्स अभी तक नहीं आए हैं. इस कैंडल तक वॉल्यूम्स नहीं आए हैं और इसने अपने पास्ट बैरियर को भी ब्रेक नहीं करा. लेट मी जस्ट क्लीन अप द होल थिंग एंड एक्सप्लेन यू वंस अगेन कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स बहुत कम कम है और प्राइस जो है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है. इस जगह पे खासतौर से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है. प्राइस नीचे जा रहा है बट लो वॉल्यूम्स के साथ जा रहा है. दैट मींस एक अच्छा स्टॉक आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी देगा. उसके बाद आपको देखना है कि कहाँ पे स्टॉक हायर लोज लगाने लगता है. ऐसा कोई भी लो नहीं बना है किसी भी दिन जिसने प्रीवियस लो को के नीचे क्लोजिंग दी है. तो मतलब ये एक्यूमुलेशन जोन है. प्लीज नोट डाउन इन योर डायरीज वेयर एवर यू वांट टू मेक नोट्स कि अगर ये फॉर्मेशन नहीं ब्रेक हो रहा है हायर लोज का तो मतलब ये एक्यूमुलेशन जोन है. अब आपको वेट करना है कि पास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो वन, एंड दूसरा वॉल्यूम्स आए. जैसे ही वॉल्यूम्स आते हैं आप तैयार हो जाइए, यू आर रेडी टू गो. ये आप लाइव मार्केट में अगर कैच कर सकते हो नथिंग लाइक इट, और अगर नहीं कर सकते हो नेक्स्ट डे जब ये रीटेस्ट करता है थोड़ा नीचे जाके ऊपर जाता है पुल बैक देता है, यू कैन टेक एन एंट्री फ्रॉम 29 to 38, ऑलमोस्ट लाइक 45% return is what you can get from such breakouts. So let's discuss with another example if we can find out and let's see.
फॉर एग्जाम्पल दिस स्टॉक BEML जिसने आज ही ब्रेकआउट दिया है, आप देखिए इसकी एनालिसिस करते हैं हम लोग, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, राइट? दिस इज अ बैरियर दैट वी वुड लाइक टू बी ब्रोकन. ये एक बैरियर जो है अब BEML में बना हुआ है. अब वंस अगेन हम वॉल्यूम्स के ऊपर जाते हैं, तो आप वॉल्यूम देखिए, नीचे लो वॉल्यूम्स है, लो वॉल्यूम्स है, मतलब ये स्टॉक जो है केवल रिटेलर्स इसमें से एग्जिट कर रहे हैं. उसके बाद ये एक डबल बॉटम लगा रहा है, और डबल बॉटम में जो सेकेंड बॉटम बनाया है वो थोड़ा सा हायर बनाया है, विच इज अगेन एन इंडिकेशन कि स्टॉक में बिल्डअप्स, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं. अब हमको क्या देखना है कि हमें चाहिए ऐसी जगह जहां पे ये अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करे विद वॉल्यूम्स. ठीक है, अब हम चलते हैं, काम और करते हैं कि आज के दिन देखते हैं कि क्या ये अपॉर्चुनिटी हमको सुबह मिली थी. हम जब लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे अपने मेंबर्स के साथ, तो हमको तो ये अपॉर्चुनिटी मिली थी. आप देखिए वॉल्यूम्स ने ब्रेकआउट दिया है, नीचे पीछे जितने भी वॉल्यूम्स हैं उनसे कहीं ज्यादा वॉल्यूम्स आए हैं. प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, जो मैंने आपके सामने एक रेजिस्टेंस मार्क किया था उसको ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम ने ब्रेकआउट दिया है, एंड लुक एट द मूवमेंट, 1300 से लेके स्टॉक 1427 तक ऊपर गया है. सो ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, एंड ये तब होता है जब आप स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हो ब्रेकआउट आने से पहले, राइट? अगर आप चाहते हैं तो हम एक एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक है कि जिसमें ऐसा कोई मूवमेंट आने वाला है. लेट्स सी. सो आपके सामने मैंने एक स्टॉक लगा रखा है, अभी इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया, बट आप इसको अपने रडार पे देख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप हमेशा बैक टेस्ट करके बता रहे हो, तो ये मैं आपके लिए फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रही हूँ. आप इस स्टॉक को रडार पे रखिए और देखिए कि आपको ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता है. अब बात करते हैं एक एक पॉइंट की. इसमें आप नोटिस करिए कि स्टॉक जो है एक करेक्शन मोड में है, ठीक है, बट ये करेक्शन जो है लो वॉल्यूम्स के साथ करेक्शन हो रहा है, ठीक है, एटलीस्ट फॉर लास्ट टू मंथ्स द वॉल्यूम्स आर प्रीटी लो. उसके बाद स्टॉक ने एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी किया है, दैट्स फाइन. आज जो है स्टॉक में वॉल्यूम्स आए हैं, आज इसका अर्निंग का भी रिपोर्ट आया है और वॉल्यूम्स भी आए हैं. और एक और चीज जो हमने अपने पॉइंटर्स में नोटिस की थी कि स्टॉक जो है हायर लोज लगा रहा है, स्टॉक जो है हायर लोज लगा रहा है. तो यहां से देखिए, इस जगह से हर एक लो जो है हायर है, प्रीवियस लो से हायर है, कहीं पे भी नहीं ब्रेक हुआ है. तो दैट मींस ये एक इसमें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं, पास्ट बैरियर को ब्रेक किया है. अगर ये स्टॉक 180 के ऊपर चला जाता है, आपको इसमें 220 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आराम से, विच इज रफली अबाउट 20% का रिटर्न. तो ये आप स्टॉक एक फॉरवर्ड टेस्टिंग के तौर पे अपने साथ रख सकते हैं और देख सकते हैं कि आर वी सक्सेसफुल इन फाइंडिंग आउट अ स्टॉक बिफोर इट रियली गिव्स अ ब्रेकआउट. तो ये आप अपने रडार पे रखिए. द स्टॉक्स नेम इज GIC हाउसिंग एंड फाइनेंस. अगर ये स्टॉक आपको कल ओपनिंग एक देता है 180 के ऊपर, तो 180 के ऊपर अगर आपको मिलता है ब्रेकआउट, तो आप 180 से लेके 220 तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं. सो ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंट किया है टू फाइंड आउट द ब्रेकआउट स्टॉक्स बिफोर दे रियली गिव अ ब्रेकआउट. इसमें अभी ब्रेकआउट नहीं आया है और इस स्टॉक को हमने आइडेंटिफाई करा है एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज. From 180 to 220, मेरे टारगेट्स इसमें 220 के हैं, और अगर 220 क्रॉस हो जाते हैं, 230, 240 तक के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं. स्टॉप लॉस हमारा कहाँ तक का रहेगा? हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 160 तक का, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 10% का स्टॉप लॉस और 20% का टारगेट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. सो अगर आपको अच्छा लगता है और आपको कुछ समय बाद 8-10 दिन बाद आपको ब्रेकआउट दिखता आता हुआ या टारगेट कंप्लीट होता हुआ दिखता है, तो आप वापस आके गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. All the best. Take care and see you in the next video.